मेरा नाम हितेश चौधरी है मैं बिलेश चक्छावी से हूँ छोटे से गांव से डिस्ट्रिक्ट मेरी अमरोहा है और उत्तर प्रदेश की मैं रहने वाली हूँ सर uh, यहाँ पे आज जो हम आई में आए तो यहाँ पे मोटे अनाज जैसे मोटे अनाज उगा रहे हैं पहले हमारे किसान भाई करते थे लेकिन अब करना बंद कर दिया था तो यहाँ पे उनकी नई प्रजातियों को आज लॉन्च किया गया है कि कम समय में कैसे किसान भाई उससे आय ले सकते हैं और क्या वो सक्सेसफुल हैं तो वो बहुत अच्छा लगा वो सक्सेसफुल हैं क्योंकि देखिए मौसम परिवर्तन में हमेशा कभी ज़्यादा ठंडा हो जाता है कभी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कभी ज़्यादा बरसात हो जाती है तो बरसात से भी किसान भाइयों का नुकसान हो जाता जब ज्यादा हो जाती है और जो ज्यादा गर्मी हो जाती है तब भी किसान भाइयों का नुकसान हो जाता है फसल में तो ये ये सारी फसलें दिन दिन की हैं तो तो में में जब तक हमारे मौसम बदलाव होता में है है और इनमें क्षमता ज़्यादा क्या है रोग भी इस पे नहीं आता और वो जो है उन सारी चीजों को झेल जाती जैसे ज़्यादा गर्मी सर्दी और उसी से पहले पहले उनकी कटाई भी हो जाती जैसे मौसम में बदलाव आता है तो यहाँ पे बहुत अच्छा आज लगा और जो हमारा संवाद हुआ अपना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तो उसे उससे तो संवाद करने के बाद हमें इतनी खुशी मिली एक तो हमें उनका मार्गदर्शन मिला और मार्गदर्शन मिलने के बाद हम चाहते थे अपनी बात उनके सामने रखना चाहते थे कि किसानों की क्या क्या समस्याएं कैसे हैं तो आज उन समस्याओं का वहाँ पे निदान हुआ तो हमें बहुत अच्छा लगा हाँ जी महिला किसानों के लिए ये बात हुई कि जैसे देखिए महिलाओं को कोई रोज़गार नहीं था बहुत महिलाएं थी बेचारी रोजगार के लिए कि हम कैसे अपना कार्य करें कैसे हम आगे बढ़ें उनमें जो थोड़ी मनो मनोबल होता है वो भी उनका थोड़ा कम था घर के ही काम में लगी रहती थी लेकिन जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है योजनाओं को लागू किया जैसे समूह की योजनाएँ हैं एफ की योजनाएँ हैं तो उनसे महिलाओं में एक उत्साह बढ़ा उन्हें रोज़गार भी मिला जैसे कि अब मैं मेरे पास कोई रोज़गार नहीं था कुछ भी नहीं था और मैं डबल एम ए हूँ और मैंने जो है अपना जो योगा में एम ए डिग्री भी ले रखी है और पीजी भी है और मैं नेशनल कोच भी रही हूँ खेलो इंडिया की मैं कोच रही हूँ लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारे पास कोई रोज़गार नहीं था केवल मैं समाज सेवाएँ मैं करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है उसी के साथ साथ में लेकिन मैं इन चीज़ों से जुड़ी मैंने अपना समूह बनाया जिसका नाम है ओजशनी महिला स्वयं सहायता समूह जिसमें हम गन्ने पर कार्य करते हैं गन्ने में हम नए नए

है, जिसका नाम है प्रखंड एनर्जी किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड उसमें मेरे साथ किसान और महिलाएं जुड़ी हुई हैं आज उसका जो मेरा है वो पंद्रह लाख का हो चुका है तो ये बहुत अच्छी पहल है एपीओ की भी हमारी सरकार की कि सर, हमारी सरकार की जैसे मनसा है कि किसान की आय कैसे दो गुना हो तो वो हमारी कैसे होगी हमारी इस प्रकार होगी एपीओ बना के उसमें हम मल्टी क्रॉपिंग अपनी करेंगे जैसे मिलिट्स है हम मिलिट्स की खेती कराते हैं तो उसके साथ में हम लेमन ग्रास भी करा रहे हैं तो लेमन ग्रास में हमने मिलिट्स की खेती करा दी जैसे मैं बागवानी की भी खेती करा रही हूँ एडवांस ताइवान पिंक अमरूद की मैं खेती करा रही तो उसके साथ में हम मिलिट्स की भी बुवाई कर रहे हैं तो मल्टी क्रॉपिंग होगी तो हमारी भूमि की जो उभरा सकती है वो भी बढ़ी और उसमें जो है हमारी भूमि को जो पोषक तत्व चाहिए वो भी सब मिल गए हमारी क्योंकि उसमें जो गहरी जड़ वाली है वो पौध भी हमने लगाई गई उथली जड़ वाली भी हमने उसमें अपनी फसल ले ली तो उससे हमारी भूमि को भी जो है सारे पोषक तत्व मिले तो इससे हमारा जो है हमने अपने मिलिट्स से जैसे बाजरा है रागी है कोदो है ज्वार है जो है इससे हमने अपने प्रोडक्ट तैयार किए उससे हमने अपने बिस्किट तैयार करे नमकीन तैयार करी आटे तैयार करे तो ये हमने किसानों से खरीदा किसानों से जब अच्छे रेट में खरीदा और उनका जो प्रोडक्ट है एपियो का वो बाहर जा रहा है तो उससे भी अच्छी इनकम हो रही है तो यहाँ पर जो है किसान की आय डबल होती है मतलब किसान की आय बढ़ती है और जो हमारी खेत में लागत आती थी वो लागत हमारी कम हो गई हमारी आय बढ़ गई और लागत हमारी कम होती क्योंकि जो मोटे अनाज हैं उनमें ज्यादा लागत की आवश्यकता नहीं होती उन्हें ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती उन्हें ज़्यादा मतलब देखने की भी आवश्यकता नहीं होती तो ये हमारे किसान किसान भाइयों के लिए किसान महिलाओं के लिए बहुत अच्छी पहल है जो हमारी भारत सरकार ने ये योजनाएं चलाई हैं और इसी के साथ साथ मैंने अपने दो किसानों का क्लस्टर बनाया हुआ है परंपरागत कृषि और जैविक कृषि का तो उसमें मैं अपने किसान भाइयों को जोड़ा हुआ है तो जैसे क्लस्टर में बहुत सारी योजनाएं आती हैं तो वो सब किसान भाइयों को दी जाती है तो किसान भाई काफी खुश हैं उससे और इसी के साथ में मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत तो, मास्टर ट्रेनर भी हूँ एनआईडीसी से तो मैं किसान भाइयों को निःशुल्क ट्रेनिंग भी देती हूँ जैविक खेती की और प्राकृतिक खेती की तो ये एक मुझे रोजगार मिला और मेरे साथ साथ में जो मेरे किसान भाई जुड़े हुए हैं मेरी किसान महिलाएं जुड़ी हुई हैं तो उन्हें भी रोजगार मिला और एक आय का स्रोत हुआ सबसे अच्छी बात यह है वो आत्मनिर्भर बनी वो अपने आप में सेल्फ डिपेंड हुई वो किसी पे निर्भर नहीं है तो ये बहुत अच्छी पहल है हमारी सरकार की और मैं अपनी सरकार को ये बहुत कोटि कोटि नमन बंधन करना चाहूंगी कि उन्होंने इन योजनाओं को लागू किया और जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से हमें नई नई योजनाएं बताते रहते हैं और वहाँ पे हमारे समय समय पे प्रशिक्षण भी होता रहता है तो मैं अपने कृषि विज्ञान केंद्र का ही बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो हमें सारी चीजें बताते हैं